सो गाइस, क्या आप एक बेस्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं अंडर 30,000? हाई गाइस, मैं प्रवीण भनका और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही चार स्मार्टफोन जिनके कैमरास काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नथिंग फोन 2A प्लस की, जिसमें कि आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मेन कैमरा की बात करें तो सैमसंग का GN9 सेंसर है, और इसका अगर सेंसर साइज की बात करें तो 1x1.57 इंच का सेंसर साइज है, और इसका अपर्चर की बात करें तो f/1.88 का अपर्चर है, और साथ ही साथ इसमें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्स आपका 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है एंड ये भी 4K 30fps इसमें रिकॉर्ड कर सकता है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो Realme 13 Pro, OnePlus Nord 4, Oppo F27 Pro Plus हैं, जिसमें कि मेन कैमरा सबके 50 मेगापिक्सल है, लेकिन Oppo F27 Pro Plus में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा एंड सब में आपको OIS देखने को मिल जाता है। और यहां पे अगर सेंसर की बात करें तो Realme 13 Pro और OnePlus Nord 4 में सेम सेंसर मिलता है, सोनी का LYT600 सेंसर, जबकि Oppo F27 Pro Plus में मिलता है आपको OmniVision का OV64B का सेंसर। अब सेंसर साइज की बात करें तो यहां पे सबसे बड़ा सेंसर साइज आ जाता है नथिंग फोन 2A प्लस का, जो कि आता है 1x1.57 इंच का। अब बात करें अपर्चर की, तो अपर्चर में सबसे बड़ा आ जाता है अपर्चर Oppo F27 Pro Plus का, जो कि आता है f/1.7 का। अब बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है नथिंग फोन 2A प्लस में। Realme 13 Pro और OnePlus Nord 4 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और वहीं Oppo F27 Pro Plus में मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर। अब बात करें यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप रियर कैमरा से करना चाहें तो सबसे अच्छा है OnePlus Nord 4, जिसमें कि 4K 60fps कर सकते हैं, अदरवाइज आप तीनों फोन्स में 4K 30fps ही कर सकते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A प्लस फिर से आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और Realme 13 Pro में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, OnePlus Nord 4 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Oppo F27 Pro Plus में मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से, तो आपको नथिंग फोन 2A प्लस एंड Realme 13 Pro में आपको फ्रंट में भी 4K 30fps का शूट करने का ऑप्शन मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। एंड अगर OnePlus Nord 4 और Oppo F27 Pro Plus की बात की जाए तो फुल HD 30fps तक आप शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। तो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा कैमरा लगा, लाइक आपको जो टेस्टिंग की हमने और साथ साथ जो स्पेक्स देखे उसके हिसाब से भी, तो Realme 13 Pro मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कैमराज में। लाइक फोटोज़ इसकी काफ़ी अच्छे निकल के आ रही है, नेचुरल कलर्स दे रहा है एंड बोके वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और वीडियो में भी आपको दोनों तरफ ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, विच इज़ प्रिटी गुड। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं सबसे अच्छा बोलूँगा नथिंग फोन 2A प्लस को, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपका 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, एंड साथ साथ अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K में शूट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो लाइक अगर आप अच्छे से आप कोई वीडियो बनाते हैं, लाइक क्रिएटर्स वगैरह हैं जिनके लिए कैमरा बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है नथिंग फोन 2A प्लस।